खबर मध्य प्रदेश के बिरसिंहपुर पाली से है। शारदीय नवरात्र प्रारंभ होते ही नगर में जगह जगह माँ दुर्गा मूर्ति स्थापित की गई, जहाँ शाम सुबह वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना हुई। वहीं नगर की माताएं बहनें भक्ति श्रद्धा में लीन नजर आईं। साथ ही भोग प्रसाद का आयोजन भी हुआ, प्रसाद भी वितरित हुआ। धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन भी किए जा रहे हैं। दुर्गा पंडालों को आधुनिक साज सज्जा लाइटिंग से सजाया गया है, जिसे देखकर भक्त भाव विभोर उठे। साथ ही नगर के दुर्गा पंडालों में भक्त पहुंच रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। पंडालों में आरती पूजा अर्चना कर अपने परिवार की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। तो वहीं दुर्गा पंडाल सगरा तालाब की काली माँ बिजली ऑफिस की बिरसिंहपुर पाली में वार्ड क्रमांक सभी वार्डों में माँ दुर्गा जी की स्थापना की गई है। प्रत्येक दिन माँ दुर्गा जी की सुबह शाम आरती होती है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बड़ी जोरों से होते हैं, जिनकी वाही वाही प्रत्येक व्यक्तियों के द्वारा की जाती है। माताएं बहनें बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पर उपस्थित होती हैं और अपना मनोरंजन करती हैं। हर जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम बड़ी जोरों से होते हैं, जिसके लिए कार्यक्रम करने वालों का उत्साहवर्धन पब्लिकों के द्वारा किया जाता है। दिनांक 25 को सार्वजनिक दुर्गा जी का विसर्जन होगा। झांकियां के साथ माँ दुर्गा जी की विसर्जन हेतु अपने स्कूल ग्राउंड में माँ दुर्गा जी की प्रतिमाओं का जमावा होगा और उसके बाद माँ दुर्गा जी की विसर्जन हेतु झांकियां निकली जाएंगी। आप इस एकता दुर्गा उत्सव समिति के सभी सदस्यों के द्वारा आज 17वां वर्ष हो चुके हैं समिति को और ये 18वां वर्ष है और हम शहर के गरिमा और भव्यता को कायम रखने के लिए हमेशा अग्रसर रहेंगे और यहाँ पे सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के महिलाओं के होते हैं और इस माता रानी का भव्य तरीके से विसर्जन 24 तारीख को एक अच्छे चल समारोह के द्वारा बाहर से आई झांकियों के द्वारा किया जाएगा और मेरा सभी भक्तजनों और नगरवासियों से विनम्र आग्रह है कि एक बार जरूर इस झांकी को देखने आएँ ताकि हम लोग और उत्साह के साथ अगले वर्ष इससे भी अच्छा कुछ अपने लिए आपके लिए सबके लिए और भी अच्छा करने की कोशिश कर सकें। ये कौन सा वर्ष है, कितने वर्ष? ये 18वां वर्ष है हमारा। क्या क्या आयोजन होते हैं? सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के, महिलाओं के, गरबा, डांडिया, ऊंची कूद, दौड़, लंबी कूद और क्या बोलते हैं भगत रामायण, ये सारी चीज़ें जो एक माता जी में पंडाल में और एक दरबार में होनी चाहिए वो सारी चीज़ों को हम आयोजित करते हैं।